हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया रहेगा, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं कि भाई देखो, अर्बन टेरेन साइकिल बैड साइकिल नहीं है, है अच्छी साइकिल। मैं खुद फाइव मंथ्स के ऊपर हो गए मुझे, नवंबर दिसंबर में लिया था मैंने, काफ़ी दिन से मैं चला रहा हूँ साइकिल को। बट क्या हो रहा है ना, थोड़ा इशू आ रहा है, तो इस इशू के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, और ना कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप ये साइकिल मत लो। ये देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये साइकिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आए। देखो क्या हुआ ना कि जैसे अभी मैं साइकिल चलाता था तो फिर पंचर हो जा रही है साइकिल, पंचर है, तो फिर अब उसको क्या करता है, जाता है दुकान पे बनवाता है, तो वो बोलते हैं पंचर हुआ है। एक बार पंचर हुआ, फिर दूसरी बार बनवाए, फिर दो दिन में फिर पंचर हुआ, फिर बनवाए, फिर पंचर हो गया, फिर बनवाए। तो दुकान वाले ने क्या बोला कि भाई इसका जो ट्यूब है वो काफ़ी लो क्वालिटी का है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक या फिर कैसे भी करके पंचर हो जा रहा है, और ऐसी जगह पर पंचर हो जा रहा है कि भाई जब आप फिर पंचर बनाओगे फिर पंचर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से हम हवा भरते हैं ना वहीं पे पंचर हो रहा है। तो भाई उसके बाद उसने बोला कि इसका एक ही रास्ता है भाई, आप नया ट्यूब लगवाओ। तो हमने क्या किया, मेरे भाई ने नया ट्यूब लगवाया, 200 रुपये का ट्यूब, उसने बोला कि 200 में लग जाएगा, तो नया ट्यूब लगवाया। बाकी तो फिर हम लोगों ने फिर घर पर लेके आया, फिर उसको मेरे भाई ने कभी एक हफ्ते बाद देखा तो पीछे का टायर पिछले हफ्ते बनवाया नया ट्यूब डाल के, इस बार आगे का टायर पंचर हो गया। फिर भाई फिर आगे के टायर में गए तो बोला फिर वही जगह पंचर हो गया भाई, जहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मतलब जहाँ से हवा भरते हैं वहीं पे पंचर हो गया। फिर बोला कि भाई इसके लिए भी को अब ये बनेगा नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सीधा नया ट्यूब डालना पड़ेगा। तो हमने ठीक है, मेरे भाई ने फिर नया ट्यूब डाला, तो आगे पीछे दोनों तरफ न्यू ट्यूब हो गए। बस यही इशू आ रहे थे, अब मैं आपको यही बताने वाला था इस वीडियो के अंदर, भाई ये इशू आ रहा था, बार बार ट्यूब पंचर हो जा रहा था। तो मुझे क्या लगता है, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि भाई देखो, कोई भी साइकिल कंपनी अगर थोड़े कम प्राइस पे लॉन्च कर रही है, आपको माउंटेन साइकिल दे रही है, तो भाई वो तो कुछ ना कुछ तो लोचा करेगी ना, अंदर ही अंदर लो क्वालिटी का सामान डाला है जो कि ख़राब हो जा रहा है। बस भाई मैं आपको इतना बताना चाहता था कि कंपनी कहीं ना कहीं से पैसा आपसे वसूल लेगी और प्रॉफिटेबल रहेगी, ठीक है। तो आपको आपको समझना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, बाकी मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ रिव्यू वीडियोस दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ, बाकी आप पर डिपेंड करता है आप लेते हैं कि नहीं लेते। और हमारे लीडर डॉल्फिन वाली वीडियोस पे यार 41,000 व्यूज़ आ गए थे, अब मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया है, इसलिए मैं आप लोग को दिल से थैंक्स बोलता हूँ यार, थैंक्स, लव यू। हमारे चैनल पे आते रहे, देखते रहे वीडियोस, तो थैंक यू।